जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। इस वीडियो में हम लोग बिहार मद निषेध सिपाही परीक्षा 2022 के लिए मॉडल प्रैक्टिस सेट 7 को कवर करने वाले हैं। तो आप सभी जल्दी जल्दी से लाइव में जुड़ जाइए। सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। और जो भी स्टूडेंट नए आए हैं उनको बता दें, ये क्लास आपको डेली रात 8 बजे लाइव चैट के साथ मिलेगा। तो अगर आप नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपसे एक भी इम्पोर्टेंट वीडियो मिस ना हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुई थी? आपको लाइव चैट का ऑप्शन दिया जाता है। अगर आप लोगों को किसी भी प्रश्न का आंसर आता है तो आप लोग लाइव चैट में आंसर जरूर करेंगे। तो देखिए, ब्रह्म समाज की स्थापना जो है ये 1828 ईस्वी में राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। तो फर्स्ट ऑप्शन जो भी बच्चे दे रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी किसने? तो राजा राम मोहन राय ने। और राजा राम मोहन राय ने 1815 ईस्वी में आत्मीय सभा की स्थापना की थी। दोनों पूछा जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि वानभट्ट निवासी था? चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए, कवि वानभट्ट जो है ये हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे और ये निवासी था थानेश्वर का। बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था, किसने बनाया था? चलिए सोच समझ के आंसर करना है। तो देखिए, पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था शेरशाह ने, याद रखना है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में बिहार में सोने की खानें कहाँ कहाँ स्थित थी? चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो देखिए, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पटना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में गौ हत्या रोकने के लिए गौ रक्षिणी सभाओं की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए, इस प्रश्न का जो आंसर है वो थोड़ा सा टाइपिंग एरर है। इसकी जो स्थापना है ये 1882 ईस्वी में हुई थी। तो देखिए, 1882 नहीं है, तो सही कर लेंगे। जब पीडीएफ मिलेगा तो उसमें सुधार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? चलिए आंसर बताएंगे, किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? देखिए, अगर आपसे पूछे कि बिहार और झारखंड कब अलग हुआ था तो याद रखना है 15 नवंबर 2000 ईस्वी को। लेकिन उड़ीसा के बारे में बात करें तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, वर्ष 1936 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगते हैं लगभग कितना समय लगता है? तो देखिए, पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में जो समय लगता है वो है 365 दिन 6 घंटे 48 मिनट और 45 सेकंड है। तो इसके हिसाब से राइट आंसर बी हो जाएगा, 365.25 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? चलिए आंसर करेंगे, सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है? तो आप सभी जानते हैं शुक्र ग्रह को सौर मंडल का सबसे गर्म ग्रह माना जाता है। बुध जो है सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है? चलिए आंसर करेंगे। टाइम्स अप। तो देखिए, विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा और ये दक्षिणी अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का वृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है किसके द्वारा? तो देखिए, विश्व का वृहत्तम डेल्टा जो है ये गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा निर्मित होता है। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। डेल्टा का नाम क्या है? तो सुंदरबन डेल्टा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कपास उद्योग जिन कच्चे माल पर आश्रित है वह क्या है? टाइम्स अप। तो देखिए, इसका सही जवाब हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन, भार ह्रास मूलक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुए हैं?
तो देखिए भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत ये निर्मित हुए हैं पैलियोजोइक महाकल्प में, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है, यहाँ पे इस तरह से होगा कछारी मिट्टी कहलाती है। चलिए आंसर करेंगे, तो देखिए पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर बोला जाता है और नवीन कछारी मिट्टी को खादर बोला जाता है, तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भद्रावती इस्पात केंद्र स्थित है, किस नदी पर स्थित है? तो देखिए भद्रावती इस्पात केंद्र जो है ये स्थित है भद्रावती नदी पर। अगर राज्य की बात करें तो याद रखना है कर्नाटक में है भद्रावती इस्पात केंद्र, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, भारत का सर्वाधिक पटसन, यहाँ पे पटसन होगा यहाँ पे लिख देते हैं इस तरह से, प्रश्न क्या है, भारत का सर्वाधिक पटसन उत्पादक है। चलिए आंसर करते जाएंगे, यानी कि किस राज्य में सबसे अधिक पटसन का उत्पादन होता है? तो वो राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ है? तो कोलकाता है, जो कि हुगली नदी के तट पर बसा हुआ है, ध्यान रखना है। हैदराबाद पूछा जाता है किस नदी के तट पर है, तो ये मूसी नदी के तट पर है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते जाना है, और अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो आप लोगों का फर्ज बनता है कि आप लोग सेशन को दिल से लाइक करें। तो देखिए भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? तो वो चावल है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है भारत में और यह किसका अंग है? चलिए आंसर करेंगे, तो देखिए यह जो है महाराष्ट्र का एक अंग है, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरापूंजी अवस्थित है, किस राज्य में अवस्थित है? और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है। तो देखिए चेरापूंजी अवस्थित है, आप सभी जानते हैं, मेघालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है, टाइम्स अप। तो देखिए बिहार के तराई प्रदेश विस्तृत है भारत नेपाल सीमा के समानांतर, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा मुख्यतः किसके कारण? तो देखिए भारत में आर्थिक विकास अवरुद्ध रहा ये जो कारण है, अकुशल कृषि व्यवस्था है, अनियमित औद्योगिकरण है, और क्या है, पाश्चात्य सामाजिक अभिवृद्धि के कारण, तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का स्वरूप क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे, यानी कि पूछा जा रहा है कि नीति आयोग किस प्रकार की संस्था है? तो देखिए ये जो है परामर्शदात्री संस्था है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015 ईस्वी को, और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? तो भारत के प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो देखिए अभी हमने बताया कि नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत के प्रधानमंत्री, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल कौन सी है? तो देखिए भारत की एक प्रमुख खाद्य फसल ये चावल है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? चलिए आंसर करते जाएंगे, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है? तो देखिए इसका उद्देश्य है गरीबों में सबसे गरीब की सहायता करना, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्रोतों में किससे भारत सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? चलिए आंसर बताएंगे, भारत किससे सबसे अधिक विद्युत प्राप्त करता है? तो ये है तापीय, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन बीमा निगम एक उदाहरण है, किस बैंक का उदाहरण है?
तो देखिए जीवन बीमा निगम जो है ये एक निवेश बैंक का उदाहरण है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है और ये प्रश्न आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बनता है, इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे प्राचीन वृहद स्तरीय उद्योग कौन सा है? तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा कपास। सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और कपास की खेती किस मिट्टी में की जाती है? तो काली मिट्टी में, ध्यान रखना है। और काली मिट्टी का ही दूसरा नाम क्या है? रेगुड़ मृदा, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। तो देखिए भारत सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत है उत्पाद कर। बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन आर्थिक विकास के लिए प्रत्यक्ष रूप से महत्वपूर्ण नहीं है? चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा मुद्रा की मात्रा, फर्स्ट ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था, कब किया गया था? तो देखिए भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को, और पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट है, मौलिक कर्तव्यों को निर्धारित किया गया है किस संशोधन द्वारा? और देखिए आपको याद रखना है मौलिक कर्तव्य को संविधान में किस समिति की सिफारिश पर जोड़ा गया था? तो समिति का नाम क्या है? तो याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर। मौलिक कर्तव्य टोटल कितने हैं? 11 है, और इसे किस देश के संविधान से लिया गया है? तो रूस के संविधान से लिया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा 42वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि वर्ष 1976 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं। देखिए इस प्रश्न में कन्फ्यूजन नहीं होना है, प्रश्न को सही से पढ़िए। क्या लिखा गया है कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री जो है ये किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? तो इसका जो सही जवाब है राष्ट्रपति के प्रति हो जाएगा, ना कि लोकसभा के प्रति। लेकिन अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो देखिए प्रश्न इस तरह से बनेगा कि संघीय मंत्री परिषद जो है सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, तो आपको राइट आंसर करना है केवल लोकसभा के प्रति। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संघीय मंत्री परिषद के मंत्री जो है ये राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट है, भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह, यानी कि बताना है इन चारों ऑप्शन में से भारत के राष्ट्रपति को कौन सा अधिकार प्राप्त नहीं है? तो वो है न्यायालय के न्यायाधीश को हटाना। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, चलिए आंसर बताएंगे। तो देखिए कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का, जिसका सूत्र होता है H2SO4 होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है HCl। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पिकोग्राम बराबर होता है, चलिए आंसर करते जाएंगे। और देखिए बिल्कुल इसी तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो देखिए एक पिकोग्राम होता है 10^-12 ग्राम, ध्यान रखना है। और देखिए ऑप्शन बी में जो है 10^-9 ग्राम, ये नैनो है, याद रखना है, नैनोग्राम का मान होता है और ये माइक्रोग्राम का मान होता है। नेक्स्ट है, दूध उदाहरण है, ये भी प्रश्न आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो देखिए दूध उदाहरण है, ये इमल्शन का उदाहरण है। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस ओजोन परत के लिए उत्तरदायी है? तो देखिए उस गैस का नाम है CFC, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ओजोन का सूत्र क्या होता है? O3 होता है। और ओजोन को मापने के लिए किस इकाई का प्रयोग करते हैं? डाप्सन का प्रयोग करते हैं। ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्रत्येक वर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है, निम्न में से किस खनिज द्वारा लोहा प्राप्त किया जाता है?
चलिए आंसर करेंगे। तो देखिए वो प्राप्त किया जाता है हेमेटाइट से, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। हेमेटाइट का सूत्र क्या होता है पूछा जाता है, तो Fe2O3 ये हेमेटाइट का सूत्र होता है। नेक्स्ट है विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है, चलिए आंसर करते जाएंगे। तो देखिए विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल होता है, और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। थायमिन जो है ये विटामिन B1 का नाम है। साइट्रिक अम्ल खट्टे फलों में पाया जाता है, टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। नेक्स्ट है सूर्य ऊर्जा निर्माण होता है, यानी कि सौर ऊर्जा जो है ये किसके द्वारा निर्माण होता है, विखंडन या संलयन द्वारा। तो देखिए आप सभी जानते हैं सौर ऊर्जा का जो स्रोत है ये नाभिकीय संलयन है, बी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और आप लोग नीचे कमेंट करके बताएंगे कि हाइड्रोजन बम जो है वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है, विखंडन पर या संलयन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, चलिए आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से किसमें कार्बन नहीं है, तो देखिए हीरा में भी कार्बन है, ग्रेफाइट में भी पाया जाता है, और कोयला में भी। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट है सर सीवी रमन को भौतिकी का नोबल पुरस्कार प्राप्त हुआ था, तो देखिए सर सीवी रमन को भौतिकी का जो नोबल पुरस्कार है ये दिया गया था 1930 ईस्वी में। अगर आपसे पूछे कि सर सीवी रमन को भारत रत्न से कब सम्मानित किया गया था, तो 1954 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, और 1930 में इन्हें भौतिकी का नोबल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है पानी का घनत्व अधिकतम होता है किस पर होता है, तो देखिए इस प्रश्न को हमने पहले भी कराया था कि पानी का घनत्व जो है ये 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है, सेकंड ऑप्शन जो भी दे रहे थे बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भूपर्पटी में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व कौन सा है, तो देखिए इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑक्सीजन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, सोच समझ के आंसर करना है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है, तो देखिए CaSO4 × ½ H2O होता है, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से लाइक करें। और देखिए अगर इसका PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, जाइए ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर जाकर इसका PDF बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल सिरके में उपस्थित है, चलिए तो देखिए सिरके में जो अम्ल उपस्थित है वह है एसिटिक अम्ल, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। ऑक्जेलिक अम्ल ये टमाटर में होता है, सिट्रिक अम्ल जो है ये खट्टे फल में मिलता है। ध्वनि का वेग वायु में अनुमानतः कितना होता है, देखिए यहाँ पे वायु में पूछा जा रहा है, अगर आपसे पूछे कि ध्वनि का वेग 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कितना होता है, तो 332 मीटर प्रति सेकंड होता है, और वायु में अनुमानता ये 330 मीटर प्रति सेकंड होता है, जो कि ऑप्शन में दिया गया है, तो ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए बढ़ाई जाती है, यानी कि पूछा जा रहा है कि स्टील को कठोरता देने के लिए उसमें किसकी मात्रा को बढ़ाना पड़ता है, तो कार्बन की मात्रा को, ध्यान रखना है जैसे जैसे कार्बन की मात्रा को बढ़ाएंगे वैसे वैसे स्टील की कठोरता बढ़ती जाएगी। नेक्स्ट है क्रोमेटोग्राफी की तकनीक का प्रयोग होता है, तो देखिए इसका इस तकनीक का प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में, डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। याद रखना है क्रोमेटोग्राफी जो है इसका हिंदी होता है वर्ण लेखन, तो आपको हिंदी में भी मिल सकता है, ध्यान रखना है वर्ण लेखन तकनीक का प्रयोग किया जाता है एक मिश्रण से पदार्थों को अलग करने में। आखिरी प्रश्न है प्रकाश की किरणों की प्रकृति कैसी होती है, यानी किसके समान होती है, तो देखिए प्रकाश की किरणों की जो प्रकृति है वो तरंग एवं कण दोनों के समान होती है, सी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन के लिए बस इतना ही, अगर सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सभी लोग सेशन को दिल से ज़रूर लाइक कीजिएगा।